इस सब जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए और वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दीजिएगा। ई बस इसको लेके बड़ी मुहिम जो है वो जम्मू में शुरू और चक्का जाम यहाँ पे। जम्मू में एक बड़ा आंदोलन ई बसेस को लेकर, ई बसेस को लेकर चक्का जाम। बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए आपको बता दूं कि आज बसों द्वारा चक्का जाम जो है वो कर दिया गया है और इस समय ई बसेस के खिलाफ जो है सड़कों पर ट्रांसपोर्टर उतर चुके हैं और देख सकते हैं इस समय बड़ा प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शन जो है वो जम्मू में होता हुआ। आप आम जनता भी बताइएगा ई बसेस को लेके आपका क्या कहना है। सिर्फ फिलहाल ई बसेस के चलते बस चालकों ने चक्का जाम जो है वो कर दिया है। आज सुबह से ही बात करें तो अखनूर शाम्बू या फिर आरसपुरा की बात करें, हर कोई इस समय सड़कों पर और आज जाना जाएगा। विजय जी क्या कहेंगे? आपने देखा कि पहले हम काफी सारी मांग कर रहे थे क्योंकि जब ई रिक्शा आया था ई रिक्शा ने ट्रांसपोर्टरों का बेड़ा गर्क किया, जबकि उनके लिए रूट बने थे ई रिक्शा के लिए। उन्होंने पूरा आप देखिए शहर में, जबकि उन्होंने लिंक्स में चलना है। उसके बाद आप देखिए ये जो यहाँ पर आग लगा दी और गाड़ी को भी यहाँ पे आग लगते ही गाड़ी को और बीच यहाँ पे टायर जो है वो जलाया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बसेस के लिए सरकार के साथ हमारा एक बैठक हुई थी और बैठक में डिसीजन लिया गया था कि ई बसेस के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन जहां इतनी तादाद में गाड़ियां चल रही हैं, आप देखिए अखनूर सेक्टर में, आरसपुरा सेक्टर में, शहर में 100 के करीब बसें जो चल रही है, क्या आप देखिए एक रूट पर 100 के करीब मेटाडोर चल रही है। तो हमने सरकार से अपील की थी यहाँ गाड़ियों की जरूरत है, आप जहाँ हैंगरी रूट है आप ई बसेस चलाइए, मगर सरकार ने अब देखिए आप, क्योंकि ये जब बसेस है ये सरकार की नहीं है, ये टाटा की बसें हैं। जैसे आपने पहले भी सुना कि अडानी अबानी को देश बेचा, आज टाटा हमारा गला ट्रांसपोर्टरों का काटेगी। तो मुझे लगता है शुरुआत जो हमने की है, मुझे लगता है कि शहर में एक भी गाड़ी नहीं चलेगी, आप चलाइए अपनी गाड़ियाँ, मगर जो हजारों की तादाद में जो लोग जहाँ ड्राइवर है कंडक्टर है, आप करना क्या चाहते हैं? उनका गला काटना चाहते हैं? और अगर आपकी ई बसेस चलती है, हमने रूट्स दिए हैं, बहुत सारे रूट्स खत्म हो गए हैं, हमने कहा आपने देखा 60 से 70 बसें शहर में चल रही हैं, हमने रूट आइडेंटिफाई करके दिए हुए हैं, मगर हमारा एक जो मीटिंग सरकार के साथ हुई थी, जब भी कहीं गाड़ी चलेगी आपस में हमारा एक बैठ के तालमेल बनेगा, कहां कहां गाड़ी की जरूरत है वहां आप गाड़ी चलाइए। लेकिन बड़े अफसोस से हमें ये कहना पड़ रहा है, ऊपर से आप देखिए ये जो ट्रांसपोर्ट है इनकी खासकर ई बसेस का कोई टाइम टेबल नहीं है। हमारी बस चलती है, टाइम से चलती है, टाइम से वापस आती है, और जब बीच में कट मार के जब गाड़ियां भर के आते हैं, और हमारा आज का ये जो हमने, क्योंकि हमारे इस टाइम आधी ट्रांसपोर्ट बंद हो चुके हैं और अखनूर सेक्टर में हमारा पूरा बंद है और आरसपुरा बंद है, और आज के बाद में आपके माध्यम से अपनी पूरी ट्रांसपोर्ट को ये कहना चाहता हूँ, कल से हमारी कोई गाड़ी नहीं चलेगी, चाहे उसमें मेटाडोर से, चाहे उसमें ऑटो है। तो इस समय की बड़ी अपडेट यानी कि कल से कोई भी गाड़ी सड़क पे नजर नहीं आएगी, ट्रांसपोर्टरों का बड़ा ऐलान, और यहाँ पर हम
बसेस को लेकर बड़ी मुहिम जो है वो जम्मू में शुरू हो चुकी है और ट्रांसपोर्टरों ने चक्का जाम जो है उसे घोषित किया गया है कि आपका इसको लेके क्या कुछ कहना है। फिलहाल बड़ा हंगामा जम्मू में होता हुआ और यहाँ पर बीच रोड गाड़ियां जो है वो लगा दी है और यहाँ पर पूर्ण रूप से रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है और फिलहाल पुलिस अभी मौके पे जो है वो नहीं पहुंची है और यहाँ पर चक्का जाम बीच रोड गाड़ियां जो है वो लगा दी गई हैं। आप देख सकते हैं दूर के दृश्य आपको दिखा दूं तो जो लोग वेयर हाउस की ओर आ रहे हैं वो यहाँ का रुख ना करें क्योंकि इस समय चक्का जाम जो है वो घोषित कर दिया गया है और बड़ा हंगामा जो है वो यहाँ पर टायर तक जलाए जा रहे हैं। शेयर करते हैं कि बस चालकों ने ही बसेस का विरोध जो है वो शुरू कर दिया गया है यानी कि कई जगह पे आज सर्विसेज ठप कर दी गई है और बड़ा ऐलान कि कल से कोई भी मेटाडोर बस जो है वो सड़क पे नहीं दिखेगी और आप देख सकते हैं किस तरह से बीच रोड बसें जो है वो लगा दी गई है यानी कि पूर्ण रूप से चक्का जाम जम्मू में। साथी साथ जुड़ते हुए ट्रांसपोर्टरों का बड़ा विरोध और यहां आप देख सकते हैं कि बीच सड़क बसें जो है वो लगा दी गई हैं यानी कोई भी गाड़ी अब यहां से आगे नहीं जा पाएगी और जो भी लोग इस समय इस तरफ आ रहे हैं तो अपील की ये रास्ता जो है वो ना अपनाएं और यहाँ से डाइवर्जन जो है वो ले ले। फिलहाल अभी तक पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पे नहीं पहुंची हुई है, अभी तक आपको यहाँ पुलिस नहीं दिखेगी। फिलहाल आप जनता विवेक सूदन जी अपनी राय जो है वो साझा करते हुए ई बसेस या फिर आम बसेस आज फैसला जनता भी कर सकती है कि आपको क्या चाहिए। फिलहाल संदीप कौल अपनी राय यहाँ पर देते हुए जितेंद्र खजूरिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियों को रोका जा रहा है, इतना बड़ा हंगामा मगर प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं और पूर्ण रूप से देखिए किस तरह से यहाँ पर बंद जो है वो किया जा रहा है। सुनील सिंह बलोरिया अपनी राय जो है वो यहाँ पर देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से रास्ता बंद। बड़ा चक्का जाम इस समय जम्मू में बंद सर, बंद बंद कोई गाड़ी नहीं जा रही और यहाँ पर सब बंद नवा शहर कठुआ जम्मू कठुआ सब सब बंद हो गई है। दूसरी बस नहीं चलने देनी, जो मर्जी हो जाए कोई नहीं चलने देनी, बाकी सब संविधान होगा बैठ के संविधान होगा। ई बस चलेगी या प्राइवेट बस चलेगी, गवर्नमेंट कोई संविधान लेगी? क्योंकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ने पैसा खर्चा, कहाँ जाएगा ट्रांसपोर्टर, मर जाए। गवर्नमेंट ने अपने जाकदम गाड़ी तो ला दी मार्केट में, पर गाड़ी चलने के लिए मसला भी होना चाहिए ना। तो देख सकते हैं ट्रांसपोर्टर जो है वो सड़कों पर, ड्राइवर कंडक्टर सड़कों पर नहीं चलेगी गाड़ियां। एक पास से हजार परिवार चलता है, एक मिस्त्री का घर चलता है, ड्राइवर का घर चलता है, कंडक्टर का घर चलता है, तो ये सारा वह रोजगार बंद कर रहे हैं, ये गलत बात है। बीजेपी यहाँ पर ई बसेस को लेके यहाँ पर बड़ा हंगामा जो है वो होता हुआ और सरकार के साथ साथ जीएमसी के खिलाफ यहाँ नारेबाजी चलते हुए। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे टायर जो है वो जलाए जा रहे हैं। और बड़ा हंगामा है इस समय, I'm going to go to the hospital.
और ये देखिए रास्ता जो है वो यहाँ पे बंद, लोग परेशान, जाए तो जाए कहाँ, क्या हुआ सर? रोड बंद कर दी, रोड बंद कर दी, रोड बंद यहाँ पे कर दी गई है। और यहाँ पर बड़ा हंगामा होते हुए रास्ता बंद, अगर वेयर हाउस की तरफ आ रहे हैं तो अपील आपसे कि इस तरफ से ना आए, दूसरी तरफ हो जाए। और ये गाड़ियों के दृश्य देखिए आप, किस तरह से अब गाड़ियों के ऊपर बैठा जा रहा है और यहाँ पर चारों ओर बंद, चक्का जाम जो है वो घोषित कर दिया गया। क्या कहेंगे सर चक्का जाम को लेके? चक्का जाम के लिए अभी हमारे प्रधान साहब और चेयरमैन साहब के साथ कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद ही फाइनल होगा क्या करना क्या नहीं करना है। अभी हम क्यों तंग है, ई बसेस के जो हमारे ऑलरेडी रूट चल रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो भी एक बैठ के डिस्कस होगी, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना ये कोर कमेटी फैसला लेगी। समझ सकते हैं जेके चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीरें इस समय वेयर हाउस की आपको दिखाते हुए, जहां पे टायर जलाए गए हैं और सड़कें जो है वो जाम कर दी गई हैं, यानी अब गाड़ियां जो है वो नहीं चलेंगी। चक्का जाम जो है वो यहां पर होता हुआ हर कोई अपने मोबाइल फोन में इसे कैद करता हुआ देख सकते हैं, हर कोई अपने मोबाइल फोन में इसे कैद करता हुआ। और ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है वो सारी यहाँ पर रास्ते में जाओ, यहाँ पर और पुलिस प्रशासन की टीमें जो है मौके पे पहुंच चुकी हैं, ट्रांसपोर्टरों से बात जो है वो की जा रही है कि रास्ता जो है उसे खोला जाए। और रास्ता खुलवाने की पुलिस की कोशिश, वेयर हाउस पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और गाड़ियां यहां से हटवाने के आदेश जो है वो दे दिए हैं, और जल्द से जल्द बसेस को यहां से हटाया जाए ताकि आम जनता जो है वो परेशान ना हो। और ये देखिए यहां पे बसें हटाने की कार्रवाई शुरू और बस में कोई भी नहीं, ड्राइवर कहाँ है वो पूछा जा रहा है, और यहाँ से अब गाड़ियां जो है वो हटाई जाएंगी, पुलिस की बड़ी कार्रवाई अब ताकि आम जनता को जो है वो परेशानी ना हो। वेयर हाउस चौकी इंचार्ज मौके पे पहुंच चुके हैं और गाड़ियां हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं ताकि आम जनता को जो है वो परेशानी ना हो। और अब गाड़ियां देखिए, यानी रास्ता जो है उसे बंद नहीं कर सकते। देख सकते हैं पुलिस की पूर्ण रूप से कार्रवाई, और यहाँ पर साफ पुलिस का आदेश कि आप लोग रास्ता जो है वो नहीं रोक सकते। और यहाँ पे पुलिस की कोशिश है इन गाड़ियों को यहाँ से हटाया जाए। अब देखने वाली बात है ट्रांसपोर्टर ये बात मानते हैं या नहीं, वो देखिए ऊपर रच आ रहे हैं। और अब तो फिर आपको बता दूं कि ई बसेस के खिलाफ बस चालकों का विरोध शुरू हो चुका है, और इस समय चक्के जाम की बात, और वही एक ई बस भी यहां पे पहुंची हुई है, ई बस भी यहां पे पहुंची हुई है, और ये देखिए ई बस भी यहां परेशान क्योंकि ई बसेस को लेके यहां पर विरोध जो है वो किया जा रहा है, और ई बसेस भी यहां पे पहुंची हुई है, और ई बस जो है वो